हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को मशीन डिज़ाइन की चैप्टर 6 फ्लैंज कपलिंग का अभिकल्पन यानी डिज़ाइन ऑफ ए फ्लैंज कपलिंग के कुछ टॉपिक आपको यहां पे इस टॉप वीडियो में जानकारी जानने वाले हैं। तो यहां पे जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि कपलिंग क्या होती है और कपलिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कपलिंग का यूजेस क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इनके बारे में अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 फ्लैंज कपलिंग का अभिकल्पन यानी डिज़ाइन ऑफ ए फ्लैंज कपलिंग क्या होता है। अब इसका कहने का मतलब है, जैसा कि आप लोगों को कपलिंग क्या होता है और कपलिंग का अभिकल्पन मीन्स कहने का मतलब है कपलिंग का अभिकल्पन किस प्रकार से करते हैं और कपलिंग क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो कपलिंग, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी दो सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए हम किसी ऐसे यंत्र का उपयोग करते हैं। वो जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कपलिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, डिफिनेशन देखेंगे तो कपलिंग एक यांत्रिक युक्ति है जो दो सॉफ्टों को जोड़ने में काम आती है। मीन्स कहने का मतलब कपलिंग क्या है, हमारा एक यांत्रिक युक्ति है और जिसका यूज कहाँ किया जाता है, तो दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे बात किया जाए, सॉफ्ट सामान्यतः 7 मीटर की तय की लंबाई में उपलब्ध होती है तथा दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर 7 मीटर से अधिक अगर हम किसी सॉफ्ट को जोड़ना चाहते हैं या फिर कहने का मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो उन दोनों सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी पहली वाली सॉफ्ट और दूसरी वाली सॉफ्ट को जोड़ना होता है तो कपलिंग के माध्यम से उसे नट बोल्ट लगाकर कस दिया जाता है, जिनके माध्यम से हम जो हमारी सॉफ्ट होती है सॉफ्ट की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिगर, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपकी कपलिंग दिख रही है। ये यहाँ पे जो इसका जो होल दिख रहा है ये आपका अगले सॉफ्ट का लगा दिया जाता है और इधर भी एक प्रकार का होल बना होता है जिसमें हम दूसरे सॉफ्ट का लगाकर फिक्स कर देते हैं। और बात किया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे नट वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कई सारे नट लगाए जाते हैं तो जिनके माध्यम से नट बोल्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, दोनों सॉफ्ट को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कपलिंग के अंतर्गत आते हैं। कपलिंग जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रही हैं। बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को ये कई प्रकार के होते हैं कपलिंग, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यूनिवर्सल कपलिंग आपका कुछ इस प्रकार से होता है और वहीं पे स्लीव कपलिंग इस प्रकार से होता है। ये आपका सॉफ्ट इधर से लगा दिया गया और इधर से सॉफ्ट लगा दिया गया, दोनों सॉफ्टों के बीच में क्या होता है, कुंजी लगा दी जाती है जिसे क्या होते हैं, हम स्लीव कपलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जा कपलिंग देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक सॉफ्ट इधर से लगा दिया जाए, एक सॉफ्ट से इधर से लगा दिया जाए, जिनके माध्यम से क्या कहते हैं, हमें एक पिन के माध्यम से उसे कस देते हैं, जिनके माध्यम से हमारा जा कपलिंग बनता है। वहीं पे देख पा रहे हैं मैग्नेटिक कपलिंग हो गया और गियर कपलिंग आता है, ठीक है। तो इन प्रकार से जिस प्रकार से उसका कपलिंग का यूज़ किया गया है, जिस प्रकार से उसकी सॉफ्ट का यूज़ किया गया है, उनके अकॉर्डिंग हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा कपलिंग का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ ए कपलिंग। कपलिंग का उद्देश्य क्यों बनाया गया, तो यहाँ पे देखेंगे कपलिंग का उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से किया गया, ठीक है। उनको फर्स्ट देखेंगे तो सॉफ्टों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, अगर देखिए आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को बढ़ाना हो गया या फिर कहने का मतलब है छोटी सॉफ्टवेयर है उन्हें अगर किसी अन्य स्थान पर लेके जाना है, उसकी जो शक्ति हो गई, उसकी पावर हो गई, ठीक है, तो उसकी पावर को अगर किसी स्थान पर लेके जाना तो किन के माध्यम से लेके जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेके जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर बीच में किसी न किसी माध्यम से छोटी पड़ जाए तो उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर को बढ़ावा करने के लिए कपलिंग का उद्देश्य मतलब कपलिंग को बनाया गया। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट कहते हैं टूटी हुई सॉफ्टों को जोड़ने के लिए। स्वाभाविक की बात है कहीं कहीं बीच में क्या होते हैं, सॉफ्ट टूट जाती हैं, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए ओवरलोड को बचाने के लिए। अब क्या होता है, बीच में क्या होता है, ज़्यादा लोड लग जाते हैं, लोड लगने की वजह से क्या होते हैं, जो सॉफ्ट होती है ज़्यादा बड़ी होती, बड़ी होने की वजह से क्या होता है, बीच में क्या होता है, हल्का सा
झुक जाती हैं। तो झुकने की स्थिति ना आए तो उन्हें तोड़कर क्या होता है, एक कपलिंग लगा देता है। और कपलिंग लगाने के बाद क्या जाता है, नीचे से एक क्या कर देता है, पिलर लगा देता है, जिनके माध्यम से जो आपका जो झुक जाता है सॉफ्ट, वो झुकने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, आगे बात किया जाए दो इकाइयों की सॉफ्ट को यांत्रिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए। कहने का मतलब है कि लचीलापन समाप्त करने के या फिर प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, तो कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, इनके उद्देश्य से हम कपलिंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक कहता है कपलिंग की वांछित गुण कौन कौन से होने चाहिए, यानी कहने का मतलब है जो उसके वांछित गुण होने चाहिए वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो उनके निम्नलिखित गुण होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, तो पहला कहता है कपलिंग को सुगमता पूर्वक जोड़ा तथा अलग किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो कपलिंग सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं, तो कपलिंग आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए कि बीच में क्या होता है कि किसी आवश्यक के रूप में उस कपलिंग को अलग किया जा सके। मतलब अलग करना पड़े तो उसे जल्द से जल्द मतलब आसानी के थ्रू से दोनों सॉफ्टवेयर को अलग किया जा सके, या फिर हम कपलिंग को खोला जा सके। इस प्रकार से हमारी ऐसी कपलिंग होनी चाहिए। आगे बात किया जाए सॉफ्ट पर लगने वाले मरोड़ घुल को परिचित करने में सक्षम हो। मतलब जो आपकी जो एक पहली वाली सॉफ्ट है उसके जो मरोड़ घुण उत्पन्न होते हैं, मैंने कहने का मतलब जो बल परिचित किया जाता है, तो कपलिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद जो दूसरी सॉफ्ट जुड़ी हो तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बल को परिचित करे। ठीक है, ना कि क्या हो एक सॉफ्ट जो जिस सॉफ्ट से बल परिचित किया जा रहा है तो कपलिंग के माध्यम से कपलिंग पे ही गया किया जाए घूम जाए। ठीक है, तो दूसरी सॉफ्ट हमारी घूमे ना, तो इस प्रकार से आपकी कपलिंग नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है दोनों सॉफ्टों को अगर फिक्स कर दिया गया है तो जितने बल उसमें परिचित किया जा रहा पहली वाली सॉफ्ट में, दूसरी वाली सॉफ्ट में लेकर जाके उसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ऐसी कपलिंग होनी चाहिए। आगे बात किया जाए नेक्स्ट कपलिंग की बात किया जाए तो कपलिंग में कोई उतारा उभरा हुआ अंग नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपकी कपलिंग होनी चाहिए आपका जो उसकी उबड़ खाबड़ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब चिकना होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, आगे कहता है कि सॉफ्टवेयर की सापेक्ष स्थितियाँ, मीन्स कहने का मतलब रिलेटिव पॉजिटिव ऑफ द सॉफ्ट। ठीक है, जो सॉफ्ट की सापेक्ष स्थिति होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए इनके बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि जोड़ने से पूर्व हमें दोनों सॉफ्ट की सापेक्ष स्थितियों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम दो सॉफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, दो सॉफ्ट को जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी स्थिति निर्धारण की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके बीच में गैपिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है, किस किया जाएगा, कितने लोड लगाए जाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब है कितने पिलर दिए जाएंगे बीच बीच में, तो इन सभी चीज़ों की सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, इनकी स्थितियों के ज्ञात पर इनकी आवश्यकताएं होती हैं, वो निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन से, एक पूर्ण संरेखण के अंतर्गत आता है और पार्श्व विस्थापन के अंतर्गत आता है, वहीं पे कोणीय विस्थापन या असंरेखण के अंतर्गत। मीन्स कहने का मतलब है पूर्ण संरेखण के अंतर्गत क्या होता है आपका एक सीधी लाइन पर, और वहीं पे पार्श्व में कुछ ना कुछ झुकी हो जाती है, और कोणीय में क्या होता है आपका कुछ एंगल पर मूव कर ली जाती है। ठीक है, तो इनकी स्थिति के आधार पर हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखाया गया कि कई सारे टॉपिक के आते हैं, मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे आप जैसे कि विभिन्न प्रकार की कपलिंग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कई सारी ऐसी कपलिंग होती हैं जिनकी स्थिति अगर अलग अलग होती है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को कपलिंग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी, कपलिंग का उद्देश्य क्या होता है, कपलिंग के वांछित गुण कौन कौन से होने चाहिए और उनकी स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिए, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।